असलम आप देख रहे हैं एक्स टी वी और मैं हूँ आपका होस्ट काशिफ। हमेशा की तरह हम एक नई वीडियो आप लोगों के लिए देखे हैं। आजकल पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट पर बड़ी बात हो रही है, तो इसी हवाले से हम एक और वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करेंगे कि आज की वीडियो आपको पसंद भी आएगी और एक मोटिवेशन की वजह भी बनेगी आप लोगों के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि एक पॉजिटिव मैसेज और एक पॉजिटिव इमेज जो है पाकिस्तान को हम बिल्ड कर सकें। तो आज की हमारी मेहमान है और इनका नाम है जी राहिला शिराज और ये मार्शल आर्ट्स की जो है एक इंस्ट्रक्टर भी हैं, इसके अलावा एक स्पोर्ट्स टीचर भी हैं और इन्होंने एक ताइक्वांडो जो एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे पाकिस्तानी माशरे के अंदर खवातीन जो इस तरह काम कर रही हैं और ख़ासतौर पर इस तरह की फील्ड के अंदर मर्दों में जाकर काम करना वो इनके लिए कितनी आसानी थी, फैमिली सपोर्ट किस हवाले से थी और इनका अपना क्या जज्बा था। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैडम बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि लोग जाते हैं टीचिंग की साइड में चले गए हैं जी सर, या मेडिकल की साइड में चली जाती, खासतौर पर खवातीन जो है एक सिक्योर जो माहौल है वो पसंद करती हैं जी सर। तो आपने ये जो ग्राउंड के अंदर खेलने कूदने वाला काम है वो कैसे चूज किया? एक्चुअली सर मेरे हस्बैंड का शौक था कि वो खुद बाहर से ब्लैक बेल्ट, तो उन्होंने स्पोर्ट्स की उनको उनकी विश थी कि उनकी वाइफ भी एक ब्लैक बेल्ट हो, तो हस्बैंड को ये ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए तो हम इस दायरे में आए और फिर बच्ची अल्लाह ने दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसको आगे बढ़ाना था हर माँ बाप अपनी बच्चों के लिए मुस्तकबिल के लिए फ्यूचर ब्राइट करने के लिए करते हैं। तो हम लोगों ने मैंने ये सोचा कि एक बच्ची है तो उसको भी एक होगा कि मेरी माँ साथ है तो ये एक अच्छी चीज़ है। और मेरा मानना ये है कि पाकिस्तान में हर फीमेल को बच्ची हो बड़ी हो जो भी हो उनको ये इस फील्ड में और कुछ नहीं तो सेल्फ डिफेंस ज़रूर होना चाहिए क्योंकि औरत एक ख़ानदान बनाती है। तो सर बात का ये मकसद है कि मेरी फैमिली ने फुल सपोर्ट किया, हमारे फराज भाई हैं घर में बड़े भाई हैं तो उन्होंने हमें घर में सिखाया, फिर हम क्लब ज्वाइन किया, सर मास्टर नौशरमान साहब रिस्पेक्टेड हमारे उन्होंने हमें बहुत बहुत अच्छा ट्रांसफर प्लेट दिया जो एक प्लेटफॉर्म दिया एक प्लेयर के लिए और आज मैं इस मकाम तक हूँ मेरी फैमिली मेरे टीचर्स मेरे सब की सपोर्ट से। और माशाल्लाह अब मेरी बेटी आर्मी में होती है और गोल्ड मेडलिस्ट है, वो भी ब्लैक बेल्ट है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अभी 15 साल की है, थोड़ी आगे जाएगी तो फिर नेशनल इंटरनेशनल में जाएगी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी माशरे के अंदर खवातीन के लिए काम करना थोड़ा सा मुश्किल है और हमारे यहाँ जो इम्पैक्ट है या एक इमेज हमारे यहाँ डेवलप हुआ होगा कि जी वो शायद पतंग दहशत गर्द कौम है और औरतों को बंद करके रखते हैं और उनको आज़ादी नहीं है घूमने फिरने की, तो आपके लिए कितना मुश्किल या आसान था कि इस फील्ड को चूज़ करना और फिर आपने जैसे बताया फैमिली की सपोर्ट भी थी, तो ये कैसे आपने इसको मुमकिन किया है? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि आजकल वैसे भी जो बहुत सारे मसाइल हैं हमारे सोसाइटी के अंदर उनको कॉप अप करना और फिर इस तरह बाहर निकल के काम करना, तो कितना मुश्किल है कितना आसान है? बात आपकी सर ठीक है सर, एक्चुअली बात ये होती है इंसान में अपने अंदर करेज होना चाहिए, तो माशरा हम खुद बनाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में मैं समझती हूँ वुमेन्स को जितनी आज़ादी दी जाती है और जितने फ्रीडम है उनके पास बाहर कंट्रीज़ में नहीं है। हमारे हकूमत हो गई, हमारे मतलब माशरा हो गया वो रिस्पेक्ट करती है। मैं खुद कितने लोगों के साथ हमारे फीमेल मेल हम सब मिक्स काम करते हैं, ग्राउंड में गेम्स होती हैं और कोई ऐसा नहीं कि भाई किसी की मजाल नहीं कि वो लेडीज़ को टच कर सके। तो मैं नहीं समझती जब तक इंसान के अंदर खुद एक जज्बा ना हो आगे बढ़ने का, तो ये मेरा मानना है कि ये ऐसे की बातें हैं कि हमारा मुल्क तरक्की नहीं करना चाहता या औरतों को दबा के रखा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। आपने बताया कि आपके हस्बैंड की विश थी कि आप मतलब ये मार्शल आर्ट्स को सीखें या ब्लैक बेल्ट आप लें, तो शादी से पहले भी आप ये कर रही थी या शादी के बाद शौक पैदा हुआ? नहीं सर, मैं शादी के बाद स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बस दिल में एक लगन हो गई थी कि मुझे भी इस यूनिफॉर्म में आना है।
तो बस एक जज्बा था, लगन थी तो और बच्ची का फ्यूचर भी देखना था, तो इसलिए फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज यहाँ बैठी हूँ। तो ये बताएं कि आपके अलावा भी फैमिली में कोई है, कोई स्पोर्ट्स में या किसी और इसी तरह की जो फील्ड या ग्राउंड में काम करने वाला कोई बहन भाई? नो सर, कोई भी नहीं है। बस हमारे पूरे खानदान में हमारी फैमिली है, मैं होगी या मेरे जो भाई हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के भाई हैं, सब ब्लैक बेल्ट हैं, सब उन्होंने इंटरनेशनल ब्लैक बेल्ट लिए हुए हैं, और मेरे अपने हस्बैंड ने ब्लैक बेल्ट लिया हुआ है, उनके भाई फ्राज हैं, उन्होंने उन्हीं की वजह से हमारे घर में एक माहौल बना। और वो हमें गुस्से कर कर के ना, मैंने घर के काम भी करने होते थे, मैं बड़ी थी घर में तो मुझे बिरादरी भी देखनी होती थी, सांस हमारी नहीं थे रहना तो उनकी जगह भी देखनी होती थी, तो वो सारा देखना, एक जो आम लेडीज जो करती है घर के काम सब मैं खुद करती थी, और कुकिंग भी मैं माशाल्लाह बहुत अच्छी करती हूँ। ये अगला सवाल लगा इसी से रिलेटेड था, आपने बात किया कि जैसे फैमिली ने तो आपको सपोर्ट किया जी जी, लेकिन सोशल प्रेशर बहुत होता है हमारे यहाँ, मतलब कि इवन कोई लड़की स्कूल में पढ़ाने के लिए भी जा रही है जी। तो जो बैकएंड पे हमारे यहाँ क्योंकि थोड़ा सा नेगेटिव माइंड है या नैरो माइंडेड हम कह रहे हैं इस चीज को जी सर, तो एक्सेप्टेंस नहीं है माशरे में, तो वो किस तरह से आपने डील किया कि जाहिर सी बात है घर वालों ने सपोर्ट किया लेकिन रिश्तेदार कहते हैं कि हाँ वो लड़की जा रही है बाहर मर्दों में काम कर रही है। सर होता है सब जगह पे ये चीजें, फिर अच्छी बुरी हर चीज को साथ फेस करना है, आप अपना एक एम बनाओ और आप अपने एम पे चलो, लोगों ने आपके साथ कोई नहीं कुछ करना होता, आपकी लाइफ है, आपकी अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपके फुल सपोर्ट है हस्बैंड की, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको लोगों की बातों पे ध्यान देना चाहिए, आपका एक एम हो आप उस एम पे चलो और आपको इंशाल्लाह कामयाब मिलेगी। लोगों की बातों पर तो मैं इसके बारे में भी बहुत मुखालफ होते हैं, बहुत बातें सुनने को मिली हैं, ये नहीं कि आप मस्ते हस्ते यहाँ तक आओ ऐसे। अच्छा अभी आपने बताया कि हस्बैंड ब्लैक बेल्ट है, आप भी ब्लैक बेल्ट है, तो कोई फाइट शाइट का घर में क्या सीन होता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, प्यार मोहब्बत से हमारे घर का माहौल, हम सब जॉइंट फैमिली मिलके एक ही थाली में खाते हैं, कोई अलग अलग किचन वगैरह कुछ नहीं है, तो मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत अच्छे मिजाज के, भलाई मिजाज के हैं, तो आप देख लें उनकी मतलब लगा रहनुमाई या उनकी आज़ादी या आज़ादी या परमिशन से ही मतलब हम लोग इतना आगे तक आए हैं, तो ये कोई बड़ा जो सरबरा होता है हमारे ससुर साहब हैं उनको भी बहुत लगाव है और उनकी भी परमिशन होती है, हर काम में आगे आगे मतलब अप्रिशिएट करते हैं, और उनको बड़ी विश थी कि ओलंपिक्स में जाए हमारे बच्चों में से ना, उनका दिल था, लेकिन बाज़ अवकात ज़िंदगी भी दारो मदार में आके फिर बच्चे ना जा सके, लेकिन अब उम्मीद है कि उनकी पोती इंशाल्लाह इंटरनेशनल में जाएगी। तो मैडम अगला सवाल मेरा ये था कि देखिए हर स्पोर्ट है या कोई शोबा है, किसी भी आप शोबे में काम कर रहे हो तो आप किसी से इंस्पायर होते हैं, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली, कहाँ से आप इंस्पायर हुई कि आपने यही फील्ड जो फिर चूज़ की है? एक्चुअली सर बात ये होती है कि घर में एक माहौल होता है ना, तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारे घर में सब ब्लैक बेल्ट, तो एक्सरसाइज करना जिम करना सब सामान घर में मौजूद है, तो फिर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए फिर घर में जब कामों से फ्री टाइम होता था तो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर दी, जिम कर दिया, तो हमारे भाई हैं फराज भाई हैं तो उनको घर में मोटे पापा कहते हैं सब, तो हमने उनको मतलब उन्होंने ही हमें आगे सपोर्ट किया, और उनकी मज़े की बात मैं बताना ज़रूर चाहूँगी कि अगर हम कहें हमने कोक लेनी है तो वो मिलेगी हमें 30 रुपये की, अगर हम कहें कि हमें स्पोर्ट का यूनिफॉर्म मिलेगा वो मिलेगा 5,000, वो हमें 5,000 का स्पोर्ट का सूट दिलवाएंगे, कोक नहीं दिलवाएंगे, मतलब स्पोर्ट्स के बारे में वो इतने उनका बहुत ज़्यादा मतलब उनको जुनून है, तो इसलिए सर तो ये बताएं कि देखें हर शोबे में एक उस्ताद होता है, उसके बगैर चलना भी मुश्किल है, अगर जैसे कहते हैं कि घर बैठे हम पढ़ लेंगे तो मुश्किल है, उस्ताद जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कराता है, आपको एक आइडिया देता है, आपको एक टारगेट देता है, बिल्कुल, तो आपके कौन है उस्ताद इस काम में जी सर? हमारे मास्टर नशरवान साहब हैं, बल्तिस्तान के हैं, बहुत नाइस पर्सनैलिटी है, और उन्होंने हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया
और आज हम जो हम इस मकाम पे हैं तो सर की करामात की वजह से उन्होंने हर जगह हमें सपोर्ट किया, उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, ज़िंदगी के बारे में सिखाया कि इंसान के अंदर कैसे तहम्बल आना चाहिए, लाइफ को कैसे गुजारना चाहिए, और एक बाप की शफकत दी उन्होंने। और मतलब सैम शर्मान को मैं क्या पूरी कौम में सल्यूट कर रही हूँ, वो इस काम में डिज़र्व करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो ये बताएं कि आपने प्रोफेशनली कोई फाइट्स वगैरह जो आपने विन की हैं, कहीं तो आपको मेडल या सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले हैं, उसके बारे में बताएं। जी 2017 में मैंने वो फाइट की थी, तो वो मैं विन किया, मैंने सर्टिफिकेट। उसके बाद फिर 2019 में हमारा एबटाबाद में था इवेंट था, बहुत बड़ा इवेंट था, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी दी है। एबटाबाद में 2019 में गेम्स थी, वो पाकिस्तान में ओलंपिक्स गेम्स उसको कहते हैं, पाकिस्तान में ये 8 साल बाद खेली जाती है पूरे मतलब पाकिस्तान के, तो उसकी सेरेमनी पेशावर में हुई थी, और फिर हमारी मैं इस्लामाबाद की प्लेयर थी टीम में, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ पे एक हिस्सा लेना ही बहुत एक एजाज़ की बात थी, तो अल्लाह ने हमें मौका दिया, उस मैट पे जाना ही एक बहुत एजाज़ की बात होती है, तो अल्लाह ने मौका दिया, हमने वहाँ पे परफॉर्मेंस किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस वहाँ थोड़ी हिस्सी मेरी इंजरी हो गई थी घुटने को, बहुत सीर किस्म थी, तो जो अभी तक मैं लेके चल रही हूँ। तो कोई नहीं, प्लेयर्स के लिए मैंने ब्लैक बेल्ट में सर नौशहरवान साहब के क्लब से, और मेरा कोरियन भी मैं बड़ी थी के वो मेरा बस मैं अगर आप लिस्ट में नाम लिखे तो कोरियन लिस्ट में मेरा नाम है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा क्या मसरूफियात होती हैं, मतलब अभी आप रेगुलर कहीं स्पोर्ट्स कर रही हैं या मतलब बिल्कुल क्विट किया इंजरी वजह से? नो नो सर, क्यों नहीं, मैं करती हूँ, घर में डेली एक्सरसाइज चलती है हमारी, वर्कआउट डेली होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई हैं बच्चे हैं हम सब करते हैं, हमारा एक प्रकार का रूम बना हुआ है, मैट बिछे हुए हैं और प्लेयर्स के जैसे सारा एक सेटअप है, और उसके अलावा मैं दारुल अरकम में एक पीटी टीचर हूँ, हर फ्राइडे मैं जाती हूँ वहाँ पे, मैं बच्चों को सिखाती हूँ सुबह 7:30 बजे से 11:30 तक। तो ये स्पोर्ट्स के साथ जॉब का कैसे आइडिया, क्योंकि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं वो तो डिपार्टमेंट्स की तरफ से भी खेल रहे होते हैं, उनकी सैलरीज या जॉब्स का एक काम चल रहा होता है। जी सर, जॉब का आइडिया मेरे भाई के दोस्त हैं बट साहब, तो उन्होंने बोला कि फीमेल चाहिए, तो मेरा माइंड बिल्कुल जॉब में नहीं था, तो भाई ने बोला मैं बात कर चुका हूँ, तो फिर इंसान की तो बात ही है, तो भाई तो मान होते हैं, तो मैंने फिर करती है, मैंने कहा चले जैसे आप गए, तो आप जॉब एंजॉय कर रही हैं या मतलब बाहर तो मजबूरी काम है? नहीं नहीं, मजबूरी नहीं है, स्टाफ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, प्रिंसिपल हो गए, बड़ साहब हो गए, सब मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, और ऐसे फैमिली वाली फीलिंग्स आती है मुझे, कभी वहाँ पे कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं, मैं इंजॉय करती हूँ, मैं हर काम इंजॉय करती हूँ। ठीक है, तो मतलब पाकिस्तानी माशरे में औरत के लिए कुछ चीज़ अचीव कर लेना बड़ी बात होती है। जी सर, इस अचीवमेंट के बाद की कैसी फीलिंग है, मतलब जैसे आपने बोला मैंने ब्लैक बेल्ट विन किया है, या आपने जो पाकिस्तान ओलंपिक्स है वहाँ आपने परफॉर्म किया है, तो एक मेल जो होता है उसका तो एक सर्कल ही डिफरेंट होता है, लेकिन औरत ज़्यादातर घर में या उसकी कोई रिश्तेदारी में मोहल्लेदारी तक ही वो चल रहा होता है, तो आप जब जीता है या उसके बाद क्या रिस्पॉन्स क्या आया, लोगों ने कैसे रिस्पॉन्ड किया आपको, आपकी क्या फीलिंग्स है? मेरी फीलिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा फील होता है, एक इंसान मतलब दुनिया में आया ये क्या हुआ, आंटी रोटी खाई और चलो
एक हट के काम किया। लोग जब आपको अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है, मतलब पता चलता है कि मेहनत की है तो कुछ रंग भी आया है। तो बाकी इसके नेगेटिव पहलू में देखा है तो मैंने बहुत बातें सुनी हैं, तो यहाँ तक सुना है कि ये मर्दों वाली खेलों में कूदना फिरना औरतों का काम नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे इस्लाम में भी जब हमारी सहाबिया होती थी वो भी घुड़सवारी करते थे, नेजाबाजी करते थे। ऐसी ये हमारे टिपिकल माहौल और हिंदुआना जो बातें हैं उसको लेके चला जाता है। अगर हम इस्लाम पे चलें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिफॉर्म होता है, हमारे स्कार्फ होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम अगर मर्दों के साथ काम कर रहे हैं तो हर औरत हर बच्ची को अपना सेल्फ डिफेंस का होता है। तो मैं समझती हूँ कि हर बच्ची को सेल्फ डिफेंस तो आना ही आना चाहिए। ये अभी आपने सेल्फ डिफेंस की बात की है तो अभी आप बहुत सारे केसेस न्यूज़ में देखते रहते हैं, अखबारात में चीज़ें छपती हैं, तो आपके ख्याल में कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आप वैसे तो चले एक वैसे नॉर्मली तो लोग कहते हैं यहाँ सीख लेना चाहिए, बहुत सारी लड़के सारे सीखते हैं, लेकिन आजकल की स्पेसिफिकली अगर हम सिचुएशन की बात करें जो रेप केसेस हो रहे हैं, अगवा हो रहा है, बहुत सारे मामले आते हैं और ख़ासतौर पर जो खवातीन को उसमें टारगेट किया जा रहा है जी, तो इस हवाले से जो सेल्फ डिफेंस है वो कितना ज़रूरी है? सर ये तो मैं अगर अपनी बात मेरी सोच की अगर की जाए तो जितना खाना ज़रूरी है उतना सेल्फ डिफेंस औरत के लिए ज़रूरी है, क्योंकि औरत जब पुरतबार एतमाद होकर चलेगी नहीं ना तो वो उसको लोग उसको घेरेंगे। इंसान में अपनी अपनी करेज होनी चाहिए कि कोई इसको आंख उठा के ना देखे। तो बच्चों को मैं सब माओ को पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ काइंडली आप अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस के लेवल बढ़ाएं। ये नहीं है कि ओए तुम लड़की हो ऐसे नहीं बैठो, तुम लड़की हो उसको ऊंचा भी बोल, ऐसा नहीं है। हाँ तमीज़ जो एक हमारे इस्लाम में है, तमीज़ होनी चाहिए कपड़ा पहनने की बैठने की उठने की, लेकिन बच्चियों में इतनी जुर्रत होनी चाहिए इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो सामने वाले को सही जवाब दे और किसी की मजाल ना हो कि आपकी बच्ची को वो बुरी नज़र से देखे।